दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। एबी 100 टीवी लाइव के समाचार बुलेटिन में आप सभी का मैं एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देश विदेश की तमाम हर बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। जेएल गुलाटी एमडी और आरके गुलाटी निदेशक के कार्यालय में अपने पिता स्वर्गीय श्री यूएल गुलाटी और माता स्वर्गीय श्रीमती गुणवंती बाई की स्मृति में चौथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फरीदाबाद से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट सामने आ रही है। मेजर्स ड्रॉपको मल्टी लव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 152 सेक्टर 58 फरीदाबाद में गुलाटी परिवार द्वारा अपने कार्यालय में अपने पिता स्वर्गीय श्री यूएल गुलाटी और माता स्वर्गीय श्रीमती गुणवंती बाई की स्मृति में चौथा रक्तदान शिविर आयोजित किया। उनका कहना है कि रोटरी क्लब फरीदाबाद एनआईटी के सहयोग से आज हमने अपने सभी मित्रों और एसोसिएशन के सदस्यों के सहयोग से 61 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य हासिल किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र मेहता, सचिव राजन गेरा, संजय जुनेना, पंकज पसरीचा, गुरमीत सिंह, राजीव सूद, अरुण आहूजा, विकास जुनेजा को उनकी उपस्थिति और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया। साथ ही हमारे औद्योगिक संघ के अध्यक्ष एचएल भुटानी, अध्यक्ष एससी गर्ग, सुनील अरोड़ा, प्रशांत सिंह, राम लिंगम, अमित शर्मा, राजेश भल्ला, राजीव भट्ट और अन्य लोगों ने भी इस दौरान सहयोग किया। संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। जेएल गुलाटी, अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्रॉपको मल्टीलुप सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 58। आज हमने जो ये ब्लड कैंप लगाया, एक्चुअली उसके दो रीजन है। सबसे पहला अपनी मम्मी पापा की याद, सेकेंडली हमारा बेटा अमन, आज उसका बर्थडे भी था, उसकी खुशी में भी हमने कहा इस बहाने से एक के साथ दो काम हो जाएंगे, एक तीर से दो निशाने लगाएं। वैसे मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूं और मैं ब्लड कैंप का चेयरमैन भी हूं, जो मुझे 6-7 साल से ये पोस्ट मिली हुई है रोटरी क्लब की तरफ से, और ये कैंप हम अपने यहाँ 4-5 साल से लगा रहे हैं। ये हमारा 6वां-7वां कैंप है और हमारी कोशिश होती है कि हर साल इसको हम रेगुलर चलाएं और साल में 2 कैंप लगें, एक अभी लग रहा है, एक कैंप हमारा प्लान है आफ्टर 5-6 मंथ नियर अबाउट दिवाली के आसपास। तो हमें ब्लड डोनेशन कहते हैं, रक्तदान महादान, मैं तो क्या मेरे पूरे परिवार को ब्लड देने का बहुत क्रेज है। मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरी बहू, सबको मतलब ब्लड देने का बहुत शौक है। आज भी मेरे दोनों बेटों ने, बहू ने, सबने ब्लड डोनेट किया जो आपके सामने हैं। और कितने लोग आ चुके हैं अभी तक कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए? देखो, हमारा टारगेट था 50+ जी, लेकिन 60+ हो चुका है। हो चुका है। हमारी कोशिश रहती है कि हम, आपका नाम परिचय? मैं आरके गुलाटी, डायरेक्टर ड्रॉपको मल्टीलुप सिस्टम फरीदाबाद। जैसा कि बड़े भाई साहब ने बताया, हमारी कोशिश होती है कि समाज की सेवा हम किसी रूप में भी कर सकें, तो हमारी हर साल कोशिश होती है कि वह एक ब्लड डोनेशन कैंप अपने यहाँ फैक्ट्री में लगा करके जितने भी हम डोनर दे सकें मानव सेवा में। तो ये रक्तदान महादान इसीलिए कहा जाता है कि इसकी मार्केट में कोई मूल्य नहीं लगा सकता है इसका, और ना ही बाज़ार में ये उपलब्ध है पैसे से, तो ये आप दान करके ही दे सकते हैं जब सब लोग आगे आकर के इसमें अपना रोल निभाएंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हर साल हम इस बहाने से हमें मम्मी पापा की याद भी मनाते हैं और इस बहाने से ज़्यादा हम समाज सेवा में काम आ सकें। तो ब्लड डोनेशन का कैंप हर साल लगाते हैं, इसी साल भी हमने लगाया था। इस साल भी हमारा टारगेट था कि 50+ यूनिट हम दें, लेकिन अभी 60+ हो चुका है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी आने वाले समय में भी हम इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहें और समाज के काम आ सके। धन्यवाद। हमारी कोशिश ये होती है, ये ब्लड कैंप के साथ साथ हम एक भंडारे का भी आयोजन करेंगे। पीछे भी हम करते आए और आज भी हमने खुला भंडारा चलाया ताकि किसी गरीब के मुँह दाल रोटी लग जाए। ठीक, ब्लड कैंप लगाया, आपको कैसा लग रहा है ब्लड कैंप दिया? बहुत अच्छा है। मैं 18 साल से रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, आदत हमारे बड़े घर के दूर सब में हो रही है। आज भी अभी तक कितने दे चुके हैं आप ब्लड?
18 साल से आज मैं 28 साल का 10 साल हो गया, मैंने काउंट नहीं रखा, बट मैं हर रेगुलर हर 3 महीने में डोनेट करता हूँ। कैसा लगता है आपको बैलेट डोनेट करने में? आज मैंने पहली बार ब्लड डोनेट करा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट मैंने सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ कंट्रीब्यूट किया अपनी लाइफ में, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट।